जयशंकर प्रसाद जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है ध्रुव स्वामी। आज हम इसकी अभिनेता अथवा रंगमंचिता इसका अध्ययन करेंगे। अभिनेता अथवा रंगमंचिता का अर्थ यह होता है कि किसी नाटक को क्या थिएटर में अथवा मंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है कि नहीं, तो इसी का हम आज अध्ययन करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर निम्न बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि जितने भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं उनमें यह प्रश्न प्रायः अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनमें प्रायः यह आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर कि उनकी उनके जो नाटक हैं वह पाठ्य अधिक हैं और अभिनय के योग्य नहीं है। मतलब अभिनीत किए जाने योग्य नहीं है, पाठ्य अधिक है, मतलब वो थिएटर को ध्यान में रखकर नहीं लिखे गए बल्कि केवल पढ़ने के लिए लिखे गए। तो इसलिए इनका यह जो नाटक है ध्रुव स्वामी उसमें हम यह देखेंगे कि वास्तव में यह भी पाठ्य है, पढ़ने के लिए लिखा गया है, क्या क्या इसे थिएटर में सफलतापूर्वक मंचित किया जा सकता है। तो देखते हैं प्रस्तावना, फिर लेखक का नया प्रयोग, फिर पारसी रंग परिकल्पना का प्रभाव, इसके बाद रंग संभावनाओं की तलाश के बिंदु, चौथा ध्रुव स्वामी नाटक में रंग संभावनाओं की खोज। रंग संभावनाएं मतलब उसको थिएटर में मंचित किया जा सकता है कि नहीं, है ना, थिएटर में उसको कलाकारों के द्वारा अभिनीत किया जा सकता है कि नहीं। तो इसको इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे रंग संभावनाओं को। कथानक हो गया, प्लॉट, फिर पात्र विधान और अभिनेता, मतलब पात्रों का चयन कैसे किया गया है, पात्रों का निर्माण किस प्रकार किया गया है, और अभिनेता उनमें क्या वो एक्टिंग के योग्य है कि नहीं। फिर भाषा और संवाद, भाषा कैसे है, इसके डायलॉग्स कैसे हैं, इसकी भाषा कैसी है, और गीत, गीतों का भी इन्होंने यहाँ पर विधान किया है, गीतों की व्यवस्था की है। और ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य, ध्रुव स्वामिनी को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है या फिर प्रतिपाद्य क्या है, और इसके बाद निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का प्रयास आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1933, उनकी बहुचर्चित नाट्य कृति है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के यशस्वी सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त नाम के बहुत ही महान शासक हुए थे गुप्त वंश में, जिसे भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता था, और उनके दो पुत्र थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो यह जो नाटक है उनका जो द्वितीय पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसी के काल से संबंधित है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी ने इसकी ऐतिहासिकता के प्रमाण दिए हैं। उन्होंने बताया कि यह जो मतलब ये जिस पृष्ठभूमि पर यह नाटक रचा गया है वह ऐतिहासिक है। उनके अनुसार विशाख दत्त द्वारा रचित संस्कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में यह घटना अंकित है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ बताया गया है। विशाख दत्त नाम के संस्कृत के बहुत महान लेखक हुए हैं, उनका एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें इस बात का उल्लेख है कि ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह मतलब रीमैरिज किसके साथ हुआ है, चंद्रगुप्त के साथ हुआ है। जैसे आजकल तलाक के बाद दोबारा शादी होती है उसे बोलते हैं रीमैरिज या फिर पुनर्विवाह, वैसे ही ध्रुव स्वामिनी का चंद्रगुप्त के साथ पुनर्विवाह हुआ था, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी जो थी उनके बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी थी। अभिनेता रंगमंचिता का अभिनेता या रंगमंचिता नाटक का महत्वपूर्ण गुण होता है। अभिनेता या रंगमंचिता नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है। कोई भी नाट्य रचना मंच पर प्रस्तुत होकर ही पूर्णता और सार्थकता पाती है, इसलिए नाटक में रंगमंचीय संभावनाएं अवश्य होनी चाहिए। आगे हम ध्रुव स्वामिनी पर इसी दृष्टि से विचार करेंगे। मतलब जब कोई भी नाटककार किसी नाटक की रचना करता है तब वास्तव में वह यह ध्यान रखता है कि इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किया जाना चाहिए, और वही उसकी सार्थकता है। तो अब हम इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी पर विचार करेंगे। पहला है लेखक का नया प्रयोग। प्रसाद के नाटकों की रंगमंचिता काफी समय तक विवाद का विषय बनी रही। यह माना जाता रहा कि घटना विस्तार, दृश्यों की अधिकता, लंबे संवाद, भाषा की क्लिष्टता, स्वगत कथन और गीतों के विस्तार आदि के कारण उनके नाटक रंगमंची नहीं है, मतलब उनके नाटक रंगमंच के योग्य नहीं थे, ऐसा कहा जाता था। क्योंकि घटना बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का वो उसमें उल्लेख करते थे अपनी नाटकों में, दृश्य बहुत सारे रखते थे, बड़े लंबे चौड़े संवाद होते थे, भाषा बहुत कठिन होती थी,
और जो स्वागत कथन होता है, मतलब जो कैरेक्टर अपने आप से बात करता है, उसको कोई दूसरा पात्र नहीं सुनता, वह स्वयं ही सुनता रहता है। स्वागत कथन एक अकेला पात्र अपने आप बात करता रहता है। और गीतों का विस्तार, बहुत ज्यादा गीत वो डाल देते थे, इसके कारण ऐसा बोला जाता था कि उनके जो नाटक हैं वो रंगमंची नहीं है। नाटकों की अभिनेता संबंधी आक्षेप प्रसाद के जीवन काल में लगाए जा चुके थे, उनके जीवन काल में यह आरोप उन पर लगाया जाता था। इसलिए अपने अगले नाटक ध्रुव स्वामिनी की रचना करते समय प्रसाद रंगमंची पक्ष के प्रति विशेष रूप से सतर्क थे। यह उनका आखिरी नाटक है, तो जब इस नाटक की वो रचना कर रहे थे तब वो रंगमंच को ध्यान में रखकर इस नाटक की रचना कर रहे थे। उसके लिए विशेष सतर्क थे कि इसे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय के योग्य लिखा जाए। घटना विस्तार, प्रासंगिक कथाओं, पात्रों की संख्या, स्थान, कार्य और समय की योजना, संवाद और गीतों की योजना आदि सभी की दृष्टि से नाटककार ने यहाँ विशेष सावधानी बरती है। मतलब ऊपर जो कमियां बताई गई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रसाद जी ने इस नाटक में पूरा और भरसक प्रयास किया है। अतः प्रसाद के अन्य नाटकों की तुलना में यह एक विशिष्ट और सजग नाट्य प्रयोग है। जब हम प्रसाद जी के अन्य नाटकों से ध्रुव स्वामिनी की तुलना करते हैं तब इसे हम पूरी तरह से अलग पाते हैं। लेखक ने इस रचना करते समय रंगमंच की एक परिकल्पना को अपने ध्यान में रखा है। मतलब जब वो नाटक की रचना कर रहे थे तब उनके इमेजिनेशन में, उनकी कल्पना में रंगमंच था। मंच सज्जा के लिए निर्देश दिए हैं, मतलब मंच में किस तरह की सजावट होनी चाहिए, कहाँ पर रोशनी कम होनी चाहिए, कहाँ पर रोशनी ज्यादा होनी चाहिए, कैसा पर्दा प्रयोग करना है। अभिनय की दृष्टि से पर्याप्त संकेत भी यहाँ मौजूद है। अभिनय की दृष्टि से भी, जैसे कोई पात्र सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, कोई उदास बैठा है, कोई खुश है, तो इस टाइप की जो भाव भंगिमा है, उसके जो एक्शंस हैं, उनके ऊपर पर्याप्त उन्होंने ध्यान दिया है, मतलब बॉडी लैंग्वेज पे। प्रत्येक पात्र के बोलते समय उनकी उसकी तदनुकूल मन स्थिति का भी संकेत दिया है कि उसका मेंटल डिस्पोजिशन कैसा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वह खुश है, दुखी है, विषादग्रस्त है, कैसा है, इसका संकेत भी दिया है उन्होंने, लिखा है। भावाभिनय अभिनय के साथ ही आंगिक अभिनय के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं। केवल इमोशनल ही नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज पर भी उन्होंने ध्यान दिया है, मतलब एक्सप्रेशंस नहीं, खाली एक्सप्रेशंस नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज पर भी उन्होंने पर्याप्त ध्यान दिया है। 3 अंकों के इस नाटक में 3 ही दृश्य हैं, इस नाटक में 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। अतः बार बार मंच सज्जा परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मतलब बार बार मंच में जो अरेंजमेंट है, जो थिएटर में जो अरेंजमेंट किया जाता है एक दृश्य के लिए, तो बार बार उसको बदलने की भी जरूरत नहीं है। मंच सज्जा भी अधिकांशतः पर्दों के माध्यम से की जाने वाली है, जो क्रमशः पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे दृश्य में सरल होती हुई है। तो मंच सज्जा में भी क्या है, 3-4 पर्दों की व्यवस्था की गई है। तो पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और दूसरे से तीसरे दृश्य में वो सरल होती चली गई है, मतलब मंच सज्जा भी वही कोई जटिल या कठिन काम यहाँ पर नहीं है। प्रथम अंक में वन, नदी, पर्वत आदि की पृष्ठभूमि में पुष्प शिविर के दृश्य की तुलना में तृतीय अंक में दुर्ग के प्रकोष्ठ का दृश्य काफी सरल है। पहले अंक में बहुत सारे वहां पर चित्र वगैरह वहां पर है, पर्दे में वन है, नदी है, पर्वत है आदि है, बैकग्राउंड में जो पर्दा लगा है उसमें, लेकिन अंतिम दृश्य में क्या है, दुर्ग का प्रकोष्ठ, जो किला है उसका दिखाया गया है, दुर्ग का किले की 4 दीवारी दिखाई गई है, जो बहुत ही सरल है। अब पारसी रंग परिकल्पना का प्रभाव, भारत में पहले अंग्रेजों के समय में एक पारसी थिएटर हुआ करता था, इनका काम था लोगों का मनोरंजन करना, तो यह व्यावसायिक थिएटर होता था। तो देखते हैं कि प्रसाद जी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब पारसी थिएटर जिस तरह हम आजकल फिल्म देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, वैसे उस समय मनोरंजन के लिए पारसी थिएटर हुआ करते थे, लेकिन वह व्यावसायिक हुआ करते थे। ध्रुव स्वामिनी के इस संपूर्ण दृश्य विधान में लेखक की परिकल्पना के केंद्र में पारसी रंगमंच रहा है, क्योंकि उस समय रंगमंच का वही एक सक्रिय रूप मौजूद था। तो जब ध्रुव स्वामिनी की रचना कर रहे थे प्रसाद जी, तब उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में, उनकी कल्पना में यह पारसी रंगमंच ही सक्रिय रूप से मौजूद था। पारसी रंगमंच में कई तरह के लिपटवा पर्दों द्वारा रंगमंच की व्यवस्था की जाती थी। लिपटवा पर्दा मतलब जो गोल 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 लिपटे रहता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, इस तरह के पर्दा की व्यवस्था की जाती थी। ये पर्दे ही वस्तुतः राजभवन, युद्ध भूमि, उद्यान, वन तथा ऐसे अन्य स्थानों की पृष्ठभूमि निर्मित करते थे, मतलब पर्दों पर ही चित्र बने रहते थे। राजभवन का चित्र, युद्ध भूमि का चित्र, उद्यान या बगीचे का चित्र, वन, मतलब बैकग्राउंड में पूरा क्या होता था, ये सारा पर्दे पर बना होता था। मंच पर ज्यादा साज सामान इकट्ठा करने के बजाय यहाँ चित्रकारी किए हुए पर्दों से वातावरण की सृष्टि की जाती थी।
मतलब मंच में बहुत ज्यादा साज सज्जा नहीं किया जाता था, पर्दों के माध्यम से ही उन दृश्यों को निर्मित किया जाता था और वैसा वातावरण तैयार किया जाता था। कई तरह के पर्दे एक के बाद एक करके लगे होते थे। जिस स्थल के दृश्य की अपेक्षा होती थी उसी की पृष्ठभूमि का पर्दा गिरा दिया जाता था। मतलब बहुत सारे पर्दे ऊपर लटका के रखे रहते थे और जिस दृश्य की आवश्यकता होती थी उसके पर्दे को नीचे गिरा देते थे। जैसे नदी पहाड़ पर्वत चाहिए तो वह पर्दा दिखाई देता था, उसको गिरा देते थे। जब महल का दृश्य है तो राजमहल का वाला पर्दा गिरा देते थे। इस तरह वो पृष्ठभूमि अथवा बैकग्राउंड का निर्माण करते थे। पर्दे मंच के सामने वाले पर्दे के अतिरिक्त होते थे, जिसके उठने पर नाटक शुरू होता है और गिरने पर समाप्त हो जाता है। मतलब एक तो एकदम शुरू में पर्दा लगे रहता है, जो दर्शकों के सामने जो पर्दा रहता है वो तो रहता ही है, वो हमेशा वही रहता है, ऊपर चढ़ता है नीचे गिरता है। लेकिन बैकग्राउंड वाला पर्दा अलग होता है, मतलब एक पर्दा बाहर रहता था दर्शकों की तरफ और एक पीछे जिसके सामने अभिनय करते थे जितने कलाकार होते थे। तो बैकग्राउंड वाला पर्दा एक अलग पर्दा होता था। आज भी हम वही देखते हैं, जैसे कभी कभी आप फिल्में देखने जाएंगे तो पर्दा उठता है बहुत बड़ा, आपने देखा होगा कहीं टॉकीज वगैरह थिएटर वगैरह में आपने देखा होगा, मूवी देखने जाते होंगे तो दर्शकों के सामने एक पर्दा रहता है, उसके बाद पीछे जिस पर डिस्प्ले होता है वो वाला पर्दा अलग होता है जिस पर हम मूवी देखते हैं। दृश्य बदलने पर अन्य स्थल के लिए अपेक्षित पर्दा सामने आ जाता था। जैसे दृश्य बदलता था, जैसे राजमहल का दृश्य समाप्त हो गया, कोई दूसरा दृश्य आ गया जंगल का, तो वह पर्दा सामने आता था। उदाहरण के लिए यदि पहला दृश्य राजमहल का है, दूसरा जंगल का, तीसरा युद्ध भूमि का और चौथा फिर राजमहल का, तो पर्दों को इसी क्रम में लगाया जाता था और पहला दृश्य समाप्त होते ही पहला पर्दा उठ जाता था और जंगल का दृश्य सामने आ जाता था। मतलब एक दृश्य खत्म हुआ तो उसका पर्दा ऊपर चले जाता था और पीछे बैकग्राउंड में दूसरा पर्दा आ जाता था। अब जब जंगल का पर्दा उठा दिया जाता था तो अगले दृश्य के लिए युद्ध भूमि की दृश्यवली सामने आती थी। अगला राजमहल का दृश्य दिखाने के लिए फिर से पहले पर्दे को सामने गिराया जाता था। तो इस प्रकार पारसी रंगमंच में यह व्यवस्था थी, इसी को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी की रचना की थी। ये पर्दे इस तरह व्यवस्थित किए जाते थे कि इन्हें आजकल बरामदों में लगने वाली चिक की भांति लपेटते हुए ऊपर उठाया जा सकता था और उसी तरह खोलकर नीचे गिराया जा सकता था। आजकल जो चिक लगाते हैं उसको जैसे ऊपर उठाते हैं, वैसे ही इस पर्दे को ऊपर उठाया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर गिराया जा सकता था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के तीन दृश्यों में भी इसी तरह के तीन पर्दों की व्यवस्था लेखक के ध्यान में रही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल तीन दृश्य हैं, तो इसी प्रकार तीन प्रकार के पर्दों की व्यवस्था प्रसाद जी के ध्यान में थी। पहला पर्दा होगा वन प्रदेश का, मतलब जंगल का। दूसरा दुर्ग के भीतर के दालान का, दुर्ग के भीतर का दालान मतलब बरांडा। उसके बाद तीसरा प्रकोष्ठ का, किला का। इन तीनों को क्रमशः अंक दृश्य बदलने पर उठाया जाएगा, दोबारा गिराने की जरूरत नहीं क्योंकि बार बार दृश्य परिवर्तन नहीं है। मतलब सिर्फ तीन दृश्य हैं तो पहले दृश्य के सामने जब चालू होगा तो पहला पर्दा रहेगा वो उठ जाएगा, तो दूसरा दृश्य के लिए दूसरा पर्दा पहले से लगा हुआ है वो गिरा दिया जाएगा और तीसरे दृश्य के लिए तीसरा पर्दा गिरा दिया जाएगा। तो बार बार गिराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार दृश्य परिवर्तन नहीं होगा, तीन ही दृश्य है। रंग संभावना की तलाश के बिंदु, मतलब रंग संभावनाएं क्या होती है, कैसे हम कहेंगे कि यह जो नाटक है वह रंगमंच में अभिनय किए जाने के योग्य है, अभिनय है, या इसमें रंगमंची संभावनाएं हैं कि इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है, किन आधार पर निर्णय लेते हैं, आइए देखते हैं। रंग संभावना की तलाश के बिंदु, वो कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी नाटक को रंगमंची अथवा अभिनय बनाते हैं, तो कौन से तत्व है देखते हैं। किसी नाट्य कृति के मंचन के लिए यह जरूरी नहीं कि निर्देशक हुबहू वैसी ही दृश्यावली प्रस्तुत करे जैसी नाटककार ने सुझाई है। मतलब डायरेक्टर यहाँ पर छूट भी लेता है, जो निर्देशक होता है वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही दृश्य प्रस्तुत करे जैसा कि नाटककार ने लिखा है, क्योंकि कई बार कुछ परेशानी आ जाती है तो डायरेक्टर को अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है। कारण, कृति की रंगमंची संभावना केवल उसकी दृश्य परिकल्पना और मंच सज्जा तक ही सीमित नहीं होती। मतलब किसी भी कृति की रंगमंची संभावना अथवा अभिनेता केवल दृश्य की परिकल्पना, केवल अलग अलग सीन्स के इमेजिनेशन और स्टेज के डेकोरेशन तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। ये तो उसे मंचित करने के कुछ उपादान मात्र हैं, है ना, कुछ उपकरण मात्र हैं, कुछ आवश्यक चीजें बस हैं ये सब, जिन्हें निर्देशक अपनी रुचि, साधनों तथा सृजनात्मक परिकल्पना के आधार पर निर्मित करता है। वास्तव में वो सिर्फ ये उपकरण मात्र हैं, ये सामग्री मात्र हैं, क्योंकि इन सब की व्यवस्था कैसे करता है, वह डायरेक्टर करता है कि कौन से सीन के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, उसका इमेजिन करता है और उसकी व्यवस्था करता है।
समय के साथ साथ प्रदर्शन विधियां बदलती रहती हैं और नाट्य निर्देशक नए नए प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ यह जो नाटकों के प्रदर्शन की जो विधि है, जो तरीका है, वह भी बदलते रहता है। इसलिए जो डायरेक्टर होते हैं नाटकों के, वे अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते रहते हैं। वे तलाश करते रहते हैं कि किस तरह की रंग सज्जा की जाए कि नाटक अधिक से अधिक सार्थक रूप में जीवंत हो और प्रस्तुति ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बन सके। इसलिए जो नाटकों के डायरेक्टर होते हैं, वे नए नए प्रयोग करते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ताकि नाटकों के जो दृश्य हैं बहुत ही सजीव, बहुत ही जीवंत बन सकें और दर्शकों को बहुत ही आनंद आए। अब ध्रुव स्वामिनी नाटक में रंग संभावनाओं की खोज। अब हम यहां पर देखते हैं कि ऊपर हमने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, उन तथ्यों के हिसाब पर क्या ध्रुव स्वामिनी रंगमंचिता की दृष्टि से अथवा अभिनेता की दृष्टि से एक सफल नाटक है कि नहीं। पहला है कथानक अथवा प्लाट। कथानक मतलब प्लाट होता है जिसके आधार पर पूरे नाटक की रचना की जाती है। इसी की पृष्ठभूमि, इसी के बैकग्राउंड के आधार पर, इसी कहानी के आधार पर यह जो नाटक की जो नाटक का जो कथानक है वो आगे बढ़ता है। ध्रुव स्वामिनी के कथानक पर रंगमंची दृष्टि से विचार करने पर हम पाएंगे कि यहाँ कार्य व्यापार की सघनता और तेजी है। मतलब जो एक्शन है यहाँ पर बहुत तेजी से मतलब होते हैं। यहाँ पर कार्य व्यापार मतलब जो एक्शन है, और सघनता मतलब बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, बहुत तेजी से यहाँ पर घटनाएं चलती है। प्रधान कथा के अलावा प्रासंगिक कथा केवल एक है, शक राज और कोमा की कथा। प्रधान कथा तो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त और रामगुप्त पर आधारित है, लेकिन इसके बाद एक प्रासंगिक कथा भी है जो इसके पैरेलल चलती है, वह है शक राज है और कोमा की कथा, क्योंकि कोमा जो है शक राज से प्रेम करती है। किंतु शक राज को खलनायक के रूप में रखने के कारण यह प्रसंग भी मूल कथा का अनिवार्य अंग बनकर सामने आया है। मतलब यहाँ पर जो शक राज है उसकी भूमिका खलनायक की है, विलेन की है, इसलिए यह कथा भी मुख्य कथा के रूप में सामने आई है। कोमा के माध्यम से शकरात के चरित्र के कई पक्षों का उद्घाटन हो सका है, क्योंकि कोमा उसकी प्रेमिका है, तो कोमा के माध्यम से हमको शकराज के व्यक्तित्व के बहुत सारी मतलब बातों का पता चलता है। ध्रुव स्वामिनी की अंतर्व्यथा किससे शुरू होती है, कथा तेजी से आगे बढ़ती है। मतलब ध्रुव स्वामिनी जो यहाँ की मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, तो उसके मन में चलने वाले जो अंतर्व्यथा है, उसके खुद का जो दुख है, उसके दिल में जो दुख है, मन में जो दुख है, उससे शुरू हुई कथा तेजी से आगे बढ़ती है, जिसे एगोनी कहते हैं, एगोनी या सैडनेस। धीरे धीरे महादेवी का आत्मसंघर्ष बाह्य संघर्ष का रूप ले लेता है। यह महादेवी मतलब ध्रुव स्वामिनी के मन में जो चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो अंतर्द्वंद है, बाद में बाहरी संघर्ष का रूप ले लेते हैं और वह आत्मसम्मान की रक्षा के प्रश्न से जूझती दिखाई देती है। मतलब यह पूरा नाटक ही ध्रुव स्वामिनी के आत्मसम्मान के इर्द गिर्द उसका ताना बाना बुना गया है। तो वह अपने आत्मसम्मान, अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जूझती दिखाई देती है, संघर्ष करती दिखाई देती है। इसमें छल कपट, प्रवंचना मतलब होता है धोखेबाजी या ठगी, और राजनीतिक छल कपट के गहराते हुए वातावरण में चंद्रगुप्त आकर कथा को आकस्मिक मोड़ प्रदान करता है। इसे हमारी जिज्ञासा को एक नई कुतूहल पूर्ण दिशा मिल जाती है। जब रामगुप्त है, वह अपनी हत्या के डर से अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उसको देना चाहता है शकराज को, तो जब ध्रुव स्वामिनी को यह पता चलता है कि उसका पति उसे शकराज को सौंपने वाला है, तो वह आत्महत्या करना चाहती है। और जब वह आत्महत्या करने वाली होती है, तभी चंद्रगुप्त आकर उसे रोक लेता है। तो यह घटना बहुत ही नाटकीय है और इसे एक जिज्ञासा को एक नई कुतूहलपूर्ण दिशा मिलती है। दर्शकों को बहुत जिज्ञासा होती है, अरे क्या हो गया। रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त जैसे दो विपरीत चरित्रों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए द्वंद्व के समाधान का मार्ग दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की जो प्रकृति है बिल्कुल ही अलग है। रामगुप्त जहाँ पर बहुत ही विलासी है, पतित है, दुर्गुणों से भरा हुआ है, वहीं चंद्रगुप्त का जो चरित्र है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही उदात्त है। तो इन दोनों के मध्य द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है। इसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे अंक में कोमा और शकराज का प्रसंग थोड़ी देर के लिए कथा में ठहराव सा लाता दिखाई देता है। मतलब कोमा जो है इनके गुरु हैं, शकराज के मिहिरदेव आचार्य हैं, उनकी यह बेटी है। इनको कोमा को मिहिरदेव ने गोद लिया हुआ है। तो अब इन दोनों का वहां पर क्या है, प्रेम प्रसंग को दिखाया है कोमा और शकराज। तो थोड़ा सी कथा यहाँ पर ठहर सी जाती है, परंतु इसके माध्यम से परिवेश की सृष्टि करके लेखक
विभिन्न विरोधी स्थितियों को सफल बनाने में समर्थ होता है, लेकिन इनके माध्यम से भी कथा में, इस नाटक के प्लॉट में वह एक तनाव पैदा कर देते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और विरोधी स्थितियों को सफल बनाने में समर्थ होते हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियां वहां पर पैदा कर देते हैं। कोमा जो है उसका चरित्र बहुत ही उदात्त है, श्रेष्ठ है, वहीं पर शकराज जो है बहुत ही पतित व्यक्तित्व है। शकराज की स्वार्थपरता और धूर्तता के समक्ष कोमा की अनुभूतिमय मतलब फीलिंग्स एंड इमोशंस, त्यागमय प्रेम की व्यापकता और उदात्तता फिर एक विरोधी स्थिति को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर भी एक तनाव पैदा होता है, जो शकराज जो है वह बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही धूर्त है, वहीं पर जो कोमा है उसके लिए पूरी तरह से समर्पित है, मतलब पूरे दिलो जान से उसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन शकराज बहुत है धूर्त है और स्वार्थी है। तो यहाँ पर भी दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है, इससे एक तनाव पैदा होता है। कोमा का कठोर आत्मपीड़न, आत्मपीड़न मतलब होता है अपने स्वयं को कष्ट देना, का निर्णय कार्य व्यापार में पुनः एक नया मोड़ लाता है और घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी के आगमन तथा शकराज की मृत्यु पर जाकर समाप्त होती है। तो यहाँ पर भी घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और ध्रुव स्वामिनी का आगमन होता है और शकराज की मृत्यु हो जाती है अंत में। अब तीसरा अंक में क्या होता है, पहले अंक में उठी समस्या का व्यापक समाधान प्रस्तुत करता है तीसरा अंक। पहले अंक में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें इसका समाधान किया गया है। रामगुप्त द्वारा उपेक्षित, परित्यक्त और प्रताड़ित ध्रुव स्वामी शकराज की प्रवंचना अर्थात धोखेबाजी ठगी के जाल से तो मुक्त हो गई है, किंतु आगे उसके जीवन का मार्ग क्या होगा। मतलब शकराज की मृत्यु हो गई है तो ठीक है, लेकिन रामगुप्त के द्वारा त्यागी हुई उसकी ब्याहता पत्नी जो उसके द्वारा त्याग दी गई है उसे प्रताड़ित हो रही है, और जो शकराज की धोखेबाजी का शिकार हुई है, इन सब चीजों से तो अब मुक्त हो गई, किंतु अब उसके जीवन का मार्ग क्या है, अब कौन उसका हाथ थामेगा। पति द्वारा परित्याग के बाद अब पति का उस पर क्या अधिकार है, है ना। पति का परित्याग हो गया, दोनों का डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तब पति का उस पर क्या अधिकार है, यदि कोई अधिकार है तो क्यों है। डिवोर्स के बाद भी, तलाक के बाद भी कोई अधिकार है तो क्यों है, यदि नहीं है तो उस स्त्री की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि आदि अनेक प्रश्नों को उठाते हुए उनका समाधान खोजते समय वाद विवाद और तर्क के बीच कार्य व्यापार की सक्रियता धीमे धीमी नहीं पड़ी। तो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं कि डिवोर्स के बाद उसका क्या होगा, है ना, उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी, इन सभी प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो कार्य व्यापार है, जो एक्शंस हैं, उसकी गति बहुत धीमी नहीं पड़ती है। एक्शंस ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, रामगुप्त के आगमन, निरीक्षकों की हत्या मतलब मासूम शक है जो जिनका कोई गलती नहीं है, नागरिक है उनकी हत्या, सामंत कुमारों द्वारा रामगुप्त का विरोध, जो सामंत थे उनके द्वारा रामगुप्त का विरोध किया जाता है बाद में, चंद्रगुप्त तथा सामंत कुमारों को बंदी बनाया जाना, ध्रुव स्वामिनी पर अब भी अधिकार जताने का प्रयास, चंद्रगुप्त द्वारा विरोध, अविद्रोह आदि घटनाएं एक के बाद एक करके तेजी से आगे बढ़ती है। मतलब यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तब आपको ये सारी बातें पता होंगी। अंत में ध्रुव स्वामिनी की राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता है, युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त करने का विवाह, मतलब उस समय राक्षस विवाह प्रचलित था। जो समुद्रगुप्त जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता था, उन्होंने बहुत सारे देशों का को विजित किया, उनका विजय किया, और उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि जिस भी राज्य को पर वह विजय प्राप्त कर लेते हैं वहां से एक लड़की गुप्त साम्राज्य को दी जाएगी जो उनकी बहू बनेगी। तो इसे बोला जाता है राक्षस विवाह, युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त करने का विवाह। तो राक्षस विवाह से मुक्ति का पुरोहित द्वारा दिया गया निर्णय और रामगुप्त के राज सिंहासन से हटाने का राज परिषद का निर्णय नाट्य व्यापार को निश्चित दिशा प्रदान करता है। अंत में वहां पर एक धर्म परिषद बुलाई जाती है और धर्म परिषद में राज पुरोहित यह निर्णय देते हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी है उसको उसकी तलाक मंजूर की जाती है रामगुप्त से, और उसमें यह भी निर्णय लिया जाता है कि रामगुप्त को राजा के पद से हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाएगा और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आपस में शादी कर लेंगे। तो यह सारी घटनाएं, यह संपूर्ण घटना व्यापार दृश्य रूप में प्रस्तुत होने की व्यापक संभावना रखता है। मतलब ये जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, इनको मंच पर बहुत ही सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है। आरंभ से लेकर अंत तक व्याप्त संघर्ष मतलब आपस में कैरेक्टर्स के जो संघर्ष होते हैं, मानसिक अंतर्द्वंद चलते हैं, बाहरी द्वंद चलते हैं, और सक्रियता और सघनता के साथ
जिज्ञासा अथवा कुतूहल की सृष्टि करने के अलावा दर्शक की चेतना को निरंतर बांधे रहने की क्षमता इसमें मौजूद है। मतलब यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस नाटक को लिखा है, जिसमें दर्शकों की जिज्ञासा और कुतूहल अंत तक बनी रहती है और यह दर्शक की चेतना को निरंतर बांधे रखने की क्षमता इसमें मौजूद है। मतलब दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं सकता। आगे क्या होने वाला है इसकी जिज्ञासा उसे निरंतर बनी रहती है। जिस तरह हम सस्पेंस मूवी देखते हैं कि आगे क्या होगा, वैसे ही दर्शकों की जिज्ञासा शुरू से अंत तक इस नाटक में बनी रहती है। स्थान, काल और कार्य संबंधी बिखराव कथानक में नहीं है। मतलब बहुत अलग अलग स्थान, अलग अलग काल, अलग अलग समय काल और विभिन्न प्रकार के काम, इसका बिखराव कथानक में नहीं है। हर एक दृश्य की घटनाएं एक ही स्थान पर घटित होती है। मतलब हर घटना एक ही दृश्य के सामने घटित होता है, एक ही स्थान पर हर दृश्य घटित होता है। समय विस्तार बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत ही कम समय में यह नाटक खेला जा सकता है। कार्य व्यापार निरंतर से आगे बढ़ता हुआ चरम स्थिति पर पहुंचता है। तो जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी एक्शंस हैं, वह बिल्कुल आगे बढ़ते हुए तेजी से चरम स्थिति पर, मतलब क्लाइमेक्स तक पहुंच जाता है। कार्य की एकता और सघनता समग्र प्रभाव की एकता उत्पन्न करती है और जो किसी भी नाट्य प्रस्तुति में अनिवार्य रूप से अपेक्षित होती है। मतलब जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के एक्शंस एंड इवेंट्स हैं, वो बहुत ही सघनता के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, जो नाटक की प्रस्तुति के लिए अनिवार्य होता है। मतलब दर्शक को कहीं भी कोई गैप या कुछ कमी दिखाई नहीं देती। इसके बाद पात्र विधान और अभिनेता, मतलब चरित्रों का निर्माण कैसे किया गया है, चरित्रों की व्यवस्था कैसे की गई है और वो पात्र कितने अभिनय हैं, यह देखते हैं कि कैसे उनको मंच पर अभिनीत किया जा सकता है, उन पात्रों को, उन किरदारों को। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र विधान पर, पात्र विधान मतलब कैरेक्टराइजेशन पर, अभिनेता मतलब एक्टिंग की दृष्टि से विचार करने पर हमें व्यापक संभावनाएं दिखाई देती है। मतलब मंचन की पर्याप्त संभावनाएं। पात्रों के चरित्र का विकास यहाँ सीधा सपाट नहीं है, उनके चरित्र की रेखाएं वक्र है। चरित्र की रेखाएं वक्र है मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही कुटिल हैं, या फिर जो बहुत ही चालू टाइप के हैं, ठग टाइप के हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, कोई बहुत मासूम है, कोई बहुत कुटिल है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल स्मूथ नहीं है यहाँ पर जो चरित्र हैं, जो किरदार हैं। उनका अंतर्द्वंद तथा विविध परिस्थितियों के घात प्रतिघात, मतलब जो संघर्ष चलते हैं आपस में पात्रों के, से उनके व्यक्तित्व में आने वाला उतार चढ़ाव न केवल उन्हें मानवीय व्यक्तित्व प्रदान करता है, बल्कि कथा विकास में आद्यपान कुतूहल बनाए रखता है। इस प्रकार पात्रों के मन में चलने वाले जो अंतर्द्वंद है, उनके आपस में चलने वाले जो संघर्ष हैं, इसके कारण ही यह उनका जो व्यक्तित्व है वह मानवीय व्यक्तित्व है। मतलब उन्होंने कोई आदर्श चरित्र का निर्माण नहीं किया है, बल्कि यथार्थ चरित्र का निर्माण किया है, जिसके कारण दर्शकों में शुरू से अंत तक कुतूहल या कुतूहल बना रहता है। उनके चरित्र के विविध पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं, जिससे हर पात्र का एक निजी व्यक्तित्व बनता है। मतलब उनके व्यक्तित्व की जो खासियत है उसको हम देखते हैं तो प्रत्येक किरदार, प्रत्येक व्यक्तित्व हमको अलग ही नजर आता है, या उसका निजी व्यक्तित्व या फिर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन जाता है। यह निजी व्यक्तित्व मतलब उसका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है, चाहे वह प्रशंसनीय हो अथवा निंदनीय, ग्राह्य हो अथवा अग्राह्य, चाहे उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जो समाज को स्वीकार्य हो अथवा ना हो, अपनी एक खास ढंग की छाप दर्शक पर छोड़ता है। तो फिर दर्शकों पर एक खास छाप छोड़ देते हैं और हम जीवन के विविध चित्र अपने सामने उपस्थित पाते हैं। मतलब हमारी जिंदगी में जो आने वाले विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स हमारी जिंदगी में आते हैं, निजी जिंदगी में, वैसे किरदार हमको इस नाटक में देखने को मिलते हैं। यद्यपि ध्रुव स्वामी जैसे पात्र का अभिनय करने के लिए किसी भी अभिनेत्री के लिए पर्याप्त श्रम और लगन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ध्रुव स्वामी के कैरेक्टर में बहुत सारे अंतर्द्वंद हैं और बहुत ही जुझारू और संघर्षशील महिला है वह, और क्रांति की चेतना, क्रांति की ज्वाला के रूप में उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो इसलिए उसकी भूमिका का निर्वाह करने के लिए जो भी कैरेक्टर, जो भी अभिनेत्री है, उसको बहुत ही परिश्रम करने की आवश्यकता होगी और बहुत ही लगन की जरूरत पड़ेगी। किंतु उसके चरित्र को आत्मसात करके, उसके चरित्र को भली भांति समझ करके, उसकी मना स्थितियों तथा संघर्षों की गहराई की अनुभूति करते हुए यदि ध्रुव स्वामी का अभिनय किया जाता है तो यह अपने आप में सार्थक कलानुभव सिद्ध हो सकता है। परंतु यदि कोई अभिनेत्री उसके मेंटल डिस्पोजिशन को, उसकी मानसिक स्थिति को और उसके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद को, इनर कॉन्फ्लिक्ट को समझ लेती है, उसके संघर्षों को आत्मसात कर लेती है, तब उसके लिए इस ध्रुव स्वामी के पात्र का को अभिनीत करना उसके लिए बहुत ही बेहतरीन
कला अनुभव होगा, बहुत ही बेहतरीन अनुभव होगा। कोमा, शकराज, रामगुप्त आदि पात्रों के अभिनय भी अभिनेताओं से पर्याप्त लगन की अपेक्षा रखते हैं। मतलब जो जो या अभिनेता या अभिनेत्री कोमा, शकराज, रामगुप्त आदि के पात्रों का अभिनय करेंगे उनको उनमें भी पर्याप्त लगन होना चाहिए। दो खल पात्र हैं किंतु दोनों के चरित्रों की रेखाएं अपने आप में विशिष्ट हैं। दो यहाँ पर खल पात्र यहाँ पर जो मतलब विलेन है यहाँ पर उनकी इन विशिष्टताओं को अपने अपने ढंग से उभार पाना ही अभिनेताओं की सफलता होगी। एक तो शकराज है और दूसरा है उसका जो मंत्री होता है वो अमात्य। इस तरह प्रेम के लिए जीने मरने वाली कोमा के चरित्र में उदात्त जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा और आत्मगौरव की सृष्टि अभिनय के धरातल पर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। मतलब जो कोमा है वह अपनी प्रेम के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने तक के लिए तैयार हो जाती है और उसके जीवन में बहुत ही उदात्त जीवन मूल्य है, श्रेष्ठ जीवन मूल्य है। उसमें आत्मगौरव की अभिव्यक्ति को अभिनय के धरातल पर स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। नाटक के अन्य पात्रों का अभिनय भी यदि इसी तरह निष्ठा और श्रम के साथ किया जाए तो इन पात्रों को बड़े ही जीवंत रूप में सामने रखा जा सकता है। इस प्रकार यदि इन पात्रों का अभिनय बहुत ही मेहनत के साथ किया जाए, लगन के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से इन पात्रों को हम जीवंत रूप में थिएटर में देख पाएंगे, मंच पर देख पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी भाषा और संवाद कैसा है, इसकी भाषा शैली कैसी है और इसके डायलॉग्स कैसे हैं ध्रुव सावनी के। हम यह देख रहे हैं कि यह भाषा मंच के अनुकूल है कि नहीं, उनके जो डायलॉग्स हैं वो मंच के अनुकूल हैं कि नहीं, थिएटर के अनुकूल हैं कि नहीं। भाषा और संवादों को लेकर प्रसाद के नाटकों पर आरंभ से ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है। मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता रहा है कि प्रसाद की जो भाषा है बहुत ही क्लिष्ट है, कठिन है, संस्कृत निष्ठ है, उनके संवाद बड़े बड़े हैं जो पात्रों के द्वारा बोले नहीं जा सकते। यह माना जाता रहा है कि उनकी भाषा कठिन है और संवाद भाव तथा विचार बोझिल। मतलब यह माना जाता था कि उनकी भाषा बहुत कठिन है और उनके जो संवाद है वे बहुत ही दार्शनिक टाइप के हैं, बहुत ही कठिन है, क्लिष्ट है और बोझिल है। इससे उन्हें मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना असंभव है। आलोचकों का कहना है कि प्रसाद के भीतर का कवि और दार्शनिक, कवि और जो दार्शनिक है उनके व्यक्तित्व में बहुत महान कवि थे वो पता है आपको, और दार्शनिक भी थे। उनको जो शैव दर्शन के अंतर्गत जो प्रतिभिज्ञा दर्शन है उसका प्रभाव था इन पे, तो वे कवि थे, दार्शनिक थे। तो ये जो कवि और दार्शनिक जो व्यक्तित्व है उनके नाटककार व्यक्तित्व पर हावी हो जाता था, फिर वो उसी शैली में लिखना चालू कर देते थे और वे गद्य में काव्यात्मकता की सृष्टि करते थे। भले वे गद्य लिखते थे वे इतना बेहतरीन तरीके से लिखते थे कि गद्य में ही हमें पद्य का आभास हो जाता था। किंतु जिस तरह कथानक, पात्र आदि के दृष्टि से ध्रुव स्वामी प्रसाद का नया प्रयोग है उसी तरह भाषा की दृष्टि से भी यह उनका नया प्रयोग है। अन्य नाटकों जैसे गद्य गीत या लंबे दार्शनिक संवाद यहाँ नहीं है। तो जिस प्रकार उन्होंने कथानक में बहुत ज्यादा काम किया प्लाट में और पात्रों का भी चित्रण इस प्रकार से किया है जो उनके पहले के नाटकों से अलग है, उसी प्रकार उन्होंने इसकी भाषा शैली और संवाद लिखते समय भी यह ध्यान रखा कि यह संवाद गद्य गीत, मतलब गद्य को पढ़ने पर जो गीत की अनुभूति कराते हैं हमको, काव्य की अनुभूति कराते हैं, वैसी ना हो और दार्शनिक संवाद भी ना हो। दार्शनिक मतलब बहुत ही जिसमें डेप्थ होता है, दार्शनिकता होती है, ऐसे संवादों का भी उन्होंने यहाँ पर विधान अथवा व्यवस्था नहीं किया है। बौद्धिकता को प्रधान आधार के रूप में अपनाने के कारण ध्रुव स्वामिनी की भाषा में तर्क और व्यंग वक्रोक्ति का पैनापन है। मतलब यहाँ पर बौद्धिकता को, मतलब जो इंटेलेक्चुअलिटी को यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है, इसलिए ध्रुव स्वामिनी की भाषा में क्या है, तर्क और व्यंग, लॉजिक है और सटायर है, वक्रोक्ति का पैनापन है। पात्र भावना या दर्शन की गहनता में खोते नहीं है। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल कोई पात्र नहीं है और बहुत ज्यादा फिलॉसफी भी नहीं है उनमें। विवाह, विच्छेद, मतलब तलाक के महत्वपूर्ण प्रश्न को शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सुलझाते समय भी मंदाकिनी और पुरोहित के छोटे छोटे संवादों द्वारा तर्क वितर्क का सहारा लिया गया। जब विवाह, विच्छेद और तलाक के ऊपर जब डिस्कशन होता है तो जब जो राज पुरोहित हैं और जो मंदाकिनी नाम की कैरेक्टर है उनके बीच में जो डिस्कशन होता है, जो तर्क वितर्क होता है ना, तो वहां पर भी इसका सहारा लिया गया है सरल भाषा का। तो प्रथम तथा द्वितीय अंक के प्रारंभ में क्रमशः ध्रुव स्वामी और कोमा के स्वागत कथन, स्वागत कथन मतलब नाटकों में ऐसा कथन जो दूसरे पात्रों के सुनने का नहीं होता, बहुत ही लंबे है। मतलब ध्रुव स्वामी और कोमा जो स्वागत कथन करते हैं, अकेले में जो बात करते हैं, जिसको कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं सुनता, नाटक का कोई दूसरा पात्र नहीं सुनता। मतलब नाटक में अगर अकेला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको बोला जाता है स्वागत कथन, और जो बोलता है उसको दूसरा कोई पात्र नहीं सुनता। तो इसकी भी बहुत ही व्यापक भूमिका है परंतु यह लंबा है।
किंतु परिवेश की सृष्टि तथा इन पात्रों की मना स्थिति को उभारने में उनकी व्यापक भूमिका है। मतलब परिवेश का निर्माण करने में तथा इन पात्रों की मना स्थिति, इनका जो मेंटल डिस्पोजिशन है उसको बताने में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने वाले संवादों के बीच यह स्वागत कथन रुकावट नहीं उत्पन्न करते, लेकिन इसका जो एक्शन है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। जो कार्य व्यापार है इसमें एक्शन टेक प्लेस वेरी फास्टली, वेरी स्विफ्टली, और उनके बीच में यह संवाद है, ये मतलब संवादों के बीच में यह स्वागत कथन है, ये रुकावट पैदा नहीं करते हैं। मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाषा कहीं भी विचार बोझिल नहीं हुई है, बहुत दार्शनिक विचार नहीं है, बहुत कठिन, मतलब भाषा कहीं भी विचार बोझिल नहीं हुई है, मतलब भाषा कहीं पर भी कोई कठिन नहीं है, कि उसके लिए आपको बहुत विचार करना पड़े। स्थिति की जटिलता और तनाव भाषा के भीतर से सहज ही फूट पड़ते हैं, मतलब स्थिति की जटिलता को दिखाने में अथवा तनाव को दिखाने में, चाहे मन का अंतर्द्वंद हो चाहे बाहरी हो, इस तनाव को दिखाने के लिए भाषा जो है भीतर से सहज ही फूट पड़ते हैं। संस्कृत निषेध शब्दों की प्रधानता परिवेश की सृष्टि में योगदान देती है। यह गुप्त काल का वातावरण है, गुप्त काल का परिवेश है, इसलिए संस्कृत निष्ठ बोली जो भाषा है वह भी हमें बहुत ज्यादा कठिनाई उस पर महसूस नहीं होता। संप्रेषणीय भाषा में प्रस्तुत बौद्धिक प्रखरता दर्शक के दिल दिमाग में तेजी से झंझनाहट पैदा करके उसे जीवन और समाज के ज्वलंत प्रश्नों पर सोचने को विवश कर देती। संप्रेषणीय भाषा मतलब एक ऐसी भाषा जो जब पात्र उस भाषा को बोलता है तो जो दर्शक हैं वो आसानी से उसको समझ सकते हैं। इट मीन्स कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वेरी इजिली बिटवीन द कैरेक्टर एंड द ऑडियंस, ठीक है, बिटवीन द एंड जितने भी वहाँ पर हीरो या हीरोइंस होते हैं उनके जो डायलॉग्स होते हैं और उनके जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको जो दर्शक हैं ऑडियंस से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और ज्वलंत समाज के ज्वलंत प्रश्नों को सोचने को विवश कर देते हैं। ध्रुव स्वामी के समाज अभिनेताओं के लिए समस्या नहीं और अनेक प्रकार की चुनौती है, तो यह कोई समस्या नहीं है अभिनेताओं के लिए कि कैसे डायलॉग को डिलीवर करें, बल्कि एक चैलेंज है जिसे प्रतिभावान अभिनेता झेलना चाहता है और उसे झेलकर अपनी अभिनय कला को सफल और सार्थक बनाना चाहता है। मतलब हर एक्टर चाहता है कि उसके डायलॉग्स ऐसे हैं जो उसके लिए चैलेंजिंग हो, और जब उस डायलॉग को जब वो बोल देता है बहुत ही सफलतापूर्वक, तभी वह कला को सफल और सार्थक बनाता है। संवादों के अनुकूल मना स्थिति, मतलब जैसे संवाद है वैसे ही मना स्थिति है, वैसे ही मेंटल डिस्पोजिशन है। इसके संबंध में लेखक द्वारा दिए गए रंग संकेत अभिनेताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। मतलब जो एक्टर वहां पर एक्टिंग कर रहे हैं थिएटर में, एक्टर एक्ट्रेस, तो उनको कैसे एक्टिंग करना है और कहां पर, मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज क्या होंगे और उनके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होंगे, इसके संबंध में लेखक ने पर्याप्त दिशा निर्देश दिया हुआ है जो अभिनेताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तीखे संवेगपूर्ण संवाद अभिनेताओं के भावों के उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करने की क्षमता की कसौटी बन सकते हैं। जो संवाद है यहाँ पर डायलॉग से बहुत ही शार्प हैं, तीखे हैं और इनमें भावनाओं का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, इमोशन का बहुत ही डेप्थ है, अप्स एंड डाउन्स है, तो यह इनको प्रस्तुत करने में निश्चित उनके सामने चुनौती पेश हो सकती है। जहां तीखेपन और आवेश की यह स्थिति नाटक को रंगमंच के ज्यादा अनुकूल बनाती है, वहीं व्यंग्यात्मकता और वक्रोक्ति उसे अधिक से अधिक प्रभावपूर्णता प्रदान करती है। तो ये जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है डायलॉग्स में, इमोशंस में, तो यही उसको क्या है, मंच के अनुकूल बनाती है और उसमें सटायर लाती है, व्यंग्यात्मकता मतलब सटायर, और उसको बहुत ज्यादा प्रभावी बनाती है। वक्रोक्ति वही मतलब जो सीधी साधी बात नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बात है जिसको समझने में दिमाग लगाना पड़ता है, टेढ़ी उक्ति। अब इसमें गीत, आपको मालूम है कि जयशंकर प्रसाद इसके पहले जितने भी नाटक लिखे उसमें उन्होंने प्रचुर मात्रा में गीत डाला था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गीत उन्होंने नहीं डाला। अभिनय की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों पर बोझ माने जाने वाले गीत भी इस नाटक में अधिक नहीं है, कुल मिलाकर 4 गीत है। पहले जब वो नाटक लिखते थे तो बहुत सारे गीत डाल देते थे, गीत निसंदेह बहुत अच्छे होते थे, उत्कृष्ट होते थे, लेकिन उसमें जो नाटक की अभिनेता है अथवा रंगमंचीता है उसको वह प्रभावित करती थी नकारात्मक रूप से, इसलिए उन्होंने इस नाटक में सिर्फ 4 गीत डाले हैं, 2 मंदाकिनी के, 1 कोमा का और 1 नर्तकियों का। गीत परिवेश और मना स्थिति को प्रकाशित करने और प्रभावपूर्ण बनाने का अतिरिक्त माध्यम होते हैं। मतलब गीतों के माध्यम से जो नाटक है उसको बहुत ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है और जो लोगों के जो विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, उनका उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको दर्शाने में गीत बहुत ही सहायक होते हैं, तो ये अतिरिक्त माध्यम होते हैं। आधुनिक युग के निर्देशक तो गीतों को नाट्य प्रस्तुति की बाधा न मानकर उनका सार्थक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। मतलब आधुनिक समय में जो नाटककार हैं गीतों का प्रयोग बहुत ही प्रभावी ढंग से करते हैं।
प्रसाद के नाटकों के ही कई प्रदर्शनों से यह बात सिद्ध भी हुई है। मतलब प्रसाद के नाटकों के बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, उनसे भी यह पता चला है कि गीतों के माध्यम से नाटक को प्रभावी ढंग से मंचित किया जा सकता है। प्रसिद्ध रंग निर्देशक बाबा कारत ने जब भारत भवन भोपाल के रंग महल द्वारा स्कंदगुप्त तथा विशाख की प्रस्तुतियां कराई तो इन नाटकों के गीतों के अलावा अन्य नाटकों तथा काव्य संग्रहों के गीतों का भी समावेश किया। इसी तरह ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीतों का भी रंगमंच पर सार्थक उपयोग किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध रंग निर्देशक हुए थे डायरेक्टर बाबा कारत, जब इन्होंने इसको मंचित किया तो स्कंदगुप्त और विशाख की जब उन्होंने प्रस्तुतियां की भोपाल में तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे गीतों का प्रयोग किया था, बाहर से भी गीत लाकर उन्होंने डाले थे। मतलब तो इससे यह साबित होता है कि ध्रुव स्वामिनी के नाटक में जो गीत है उसका रंगमंच पर सार्थक उपयोग किया जा सकता है, उसे उपयोग में लिया जा सकता है। अब ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपादी क्या है, उद्देश्य क्या है, है ना, कि प्रसाद जी ने इसको लिखा तो उनके दिमाग में वह कौन सी बात थी, वे कौन से लक्ष्य और उद्देश्य थे जिसकी वे प्राप्ति करना चाहते थे। देखते हैं ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य का तात्पर्य है जो प्रतिपादन योग्य हो, जो दिया जाने योग्य हो, लेकिन यहां पर इसका अर्थ होता है उद्देश्य। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य की रंगमंचीयता पर विचार करते समय प्रश्न यह उठता है कि प्रतिपाद्य कितना प्रासंगिक है और क्यों प्रासंगिक है। जिन समस्याओं को इन्होंने उठाया है, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात की है, तो वे समस्याएं या वे लक्ष्य कितने प्रासंगिक हैं और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के भीतर से उठने वाले कुछ बुनियादी सवालों को उठाते हुए उनके तर्क संगत, विधि सम्मत और शास्त्र सम्मत समाधान प्रस्तुत करने के कारण ध्रुव स्वामिनी का कथ्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना इतिहास के उस युग में तथा जितना प्रसाद के युग में था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठाए हैं, सती प्रथा पर उन्होंने सवाल उठाया हुआ है, बहुपत्नी प्रथा पर सवाल उठाया हुआ है, पुनर्विवाह पर, तलाक पर, इन सभी बातों पर, स्त्रियों के शोषण और दमन पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, प्रश्न खड़े किए हैं। तो वे जो सवाल हैं उस समय भी तर्क संगत थे, कानून सम्मत थे और शास्त्र सम्मत थे, उनका समाधान करने का उन्होंने प्रयास किया है। और उस समय प्रसादकालीन युग में जो समस्याएं थी वे आज भी हमको हमारे आधुनिक जीवन में दिखाई देती हैं, क्योंकि महिलाओं की स्थिति आज भी लगभग वैसी ही है जितना कि उस युग में तथा जितना प्रसाद के युग में था। अनाचारी अन्यायी पति से स्त्री की मुक्ति, मतलब यदि कोई महिला की शादी एक ऐसे पुरुष से हो जाती है जो अनाचारी है, अन्यायी है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, तो क्या उसे उसका तलाक होना चाहिए। और दूसरा अयोग्यता अथवा अनुत्तरदायी शासक से जनता की मुक्ति, दो ऐसे मुद्दे हैं, एक तो जो अनाचारी दुराचारी पति है उससे पत्नी की मुक्ति और दूसरा दुराचारी शासक से जनता की मुक्ति, ऐसे दो मुख्य मुद्दे हैं जो रूढ़िवादी सामंतवादी अपरिवर्तनशील मूल्यों का खंडन करते हुए प्रगतिशील मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करते हैं। मतलब उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए हैं जिसके माध्यम से उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती दी है और प्रगतिशील जीवन मूल्यों की स्थापना करने का उन्होंने प्रयास किया है, आधुनिक जीवन मूल्यों की स्थापना करने का, प्रगतिशील जीवन मूल्यों की स्थापना करने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। यही इस नाटक की सामाजिक अपील है जो इसके रंगमंची सार्थकता को सिद्ध करती है। इससे यह पता चलता है कि यह नाटक, इसका जो प्रतिपाद्य है, वो इसका जो उद्देश्य है लिखने का, वह रंगमंच मंचिता की दृष्टि से, अभिनेता की दृष्टि से पूरी तरह सफल है, सार्थक है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। उपरित विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में रंगमंचीयता अथवा अभिनेता की पर्याप्त संभावनाएं, मतलब पूरी तरह सफलता से इसको मंच पर अभिनीत किया जा सकता है। प्रतिभावान निर्देशक और कुशल रंगकर्मियों के लगन और श्रम की सहायता से इस नाटक को सफलतापूर्वक मंचित किया जा सकता है। मतलब यदि डायरेक्टर टैलेंटेड है और जो उसके जो एक्टर्स हैं वे भी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और मेहनती हैं, तो इसकी सहायता से ध्रुव स्वामी नाटक को मंच पर बहुत ही सफलतापूर्वक अभिनीत किया जा सकता है, मंचित किया जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों, स्वभावों, रुचियों और क्षमताओं वाले निर्देशकों तथा अभिनेताओं द्वारा समय समय पर इनका अभिनय भी किया जाता रहा है और हर प्रस्तुति अपने आप में एक नवीन अनुभव रही है। इसकी कुछ उल्लेखनीय प्रस्तुतियां हैं। बहुत सारे जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हुए हैं उन्होंने समय समय पर ध्रुव स्वामिनी का मंचन भी किया है, इसको मंच पर प्रदर्शित भी किया है। तो इसमें से जो कुछ प्रमुख उल्लेखनीय जो मंचन है वो यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा प्रस्तुति, ध्रुव स्वामिनी के प्रकाशन से पूर्व पांडुलिपि के आधार पर, पांडुलिपि मतलब मौलिक रूप से जो पेन में लिखा, पेन के द्वारा लिखा गया था, प्रसाद के द्वारा जो पेन से लिखा गया था उसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, उसके पहले इनका जो पांडुलिपि था उसके आधार पर ही इसका अभिनय
काशी की भारतेंदु नाटक मंडली ने किया। बनारस में एक नाटक मंडली थी भारतेंदु नाटक मंडली, उन्होंने इसको मंचन किया इसका। इसका निर्देशन बाबू बाल कृष्ण दास अर्थात बल्ली बाबू ने इसका निर्देशन किया था, डायरेक्शन बल्ली बाबू ने किया था। इसके बाद अगला है फाइन आर्ट्स थिएटर द्वारा सन 1962 में प्रस्तुति, केवी चंद्रा द्वारा सन 1976 में प्रस्तुति तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के तत्वावधान में देवेंद्र राजकुमार द्वारा इसकी प्रस्तुति की गई है। मतलब इसका मंचन बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अभिनेता की दृष्टि से अर्थात रंगमंचिता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी का विश्लेषण करते समय यह सिद्ध होता है कि यह प्रसाद का एक नया नाट्य प्रयोग है जो उनके पिछले नाटकों से पूरी तरह से भिन्न है, अलग है। इसके रंग परिकल्पना पर पारसी रंग दृष्टि का प्रभाव है, पारसी थिएटर का प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु, पात्र विधान, भाषा प्रतिपाद्य आदि का रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में विवेचन विश्लेषण करने पर यह सिद्ध होता है। मतलब रंगमंच की दृष्टि से, रंगमंच पर अभिनेता की दृष्टि से जब इसकी कथा वस्तु, पात्र विधान, भाषा और उद्देश्य इसका विवेचन और विश्लेषण किया जाता है तब इसे सिद्ध होता है, इसे साबित होता है कि अभिनेता अथवा रंगमंचिता की दृष्टि से प्रसाद जी की ध्रुव स्वामिनी अत्यंत सफल नाट्य कृति है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रंगमंचिता अथवा अभिनेता की दृष्टि से जो ध्रुव स्वामिनी है वह बिल्कुल एक सफल नाट्य कृति है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही इस लेक्चर का जो PDF नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं है।